तो पहला सवाल है, इसमें ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 3 4 और सी है 4 5 6। आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 2 3 ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं 3 4, तो ये हो गया 1 3। ए यहां का लेंगे, पहला टर्म यहां का होगा 1 3 2 3 और ये 3 3, ये हो गया 1 4 2 4 और 3 4, ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। ऐसे बी क्रॉस सी लेंगे 3 4 और 4 5 6, तो 3 4 और 4 5 6, तो यहां का पहला टर्म यहां का होगा 3 4, यानी कि 3 4 और 4 4, 3 4 3 4 लिख देते हैं क्योंकि पहला टर्म यहां का होगा, यहां का 3 यहां का 4, ये हो गया 5 5 और ये हो गया 6 6, 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6। अब इसमें आपको ढूंढने कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन आएगा वही इंटरसेक्शन होता है। तो 3 4 और ये 3 4, केवल यही कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं, यही इसका इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट में है, यदि ए आपको दिया है 2 3, बी दिया हुआ है 4 5 और सी है 5 6, आपको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब इसमें ए है और आपका बी और सी, तो सबसे पहले अगर आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है तो बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी मतलब इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ और जो कॉमन होगा वो एक बार लिखेंगे, तो 4 5 5 6, यानी कि 4 5 6। फिर इसका क्रॉस करेंगे 2 3 का 4 5 6 से, पहला टर्म 2 3 होगा, तो 2 3 का 4 5 6 से क्या क्या आएगा, ये 2 2, ये इसको इस तरीके से लिखिएगा, यहां पर जैसे 2 है ना, तो पहला टर्म 2 आएगा, इसमें पहला टर्म 3 आएगा और यहां पर आपका 4 4 जोड़ दीजिए, यहां पे यहां पर इस रो में आप 5 5 जोड़ दीजिए और ये 6 6 जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, ये आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। अब अगला निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है ये सी है, इसके बीच में कॉमन क्या है, केवल 5 और 5, ये कॉमन है दोनों में, तो बी इंटरसेक्शन सी तो 5 आ गया। अब आपको इसको क्रॉस करना है, तो आप सीधा 5 2 और 5 और 3 और 5, तो ये आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी आ गया। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालना है और उनका यूनियन लेना है, तो ए क्रॉस बी यानी कि ये जो 2 3 है और 4 5 है, तो ये पहला टर्म इसका रहेगा, तो 2 2 लिख दीजिए, इसको 3 3 लिख दीजिए, यहाँ पर आप 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो 2 4 2 5 3 4 3 5, ये आपका ए क्रॉस भी आ गया। इसी तरीके से ए क्रॉस सी निकालना है, तो पहले ये जो है ना, ये पहला ए क्रॉस बी वाला सेट हो गया, क्या कहें, ऑर्डर सेट हो गया ए क्रॉस बी का। उसके बाद ए क्रॉस सी निकालेंगे, ए क्रॉस सी में क्या है, ये 2 3 है, अब यहाँ 5 6 आ जाएगा, तो क्योंकि पहला टर्म इसका होगा 2 3 का, तो 2 2 3 3 लिख दीजिए इस कॉलम में, इस रो में 5 जोड़ दीजिए, तो 2 5 2 6 3 5 3 6। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, अच्छा 2 5 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 4 है, 3 5 है, 2 6 है, 3 5 दो बार है तो इसको भी एक बार लिख देंगे, और 3 6, इन सबको जोड़ के लिख देंगे, जो टर्म दो बार आएंगे उनको एक बार लिखेंगे बस। नेक्स्ट में यदि आपको ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 4 और सी दिया हुआ है 5, आपको निकालना है या फिर वेरीफाई करना है, इसमें निकालना नहीं है, इसमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी ये बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। आप ये वेरीफाई करेंगे, नंबर्स आपको दिए हुए, यानी कि सेट दिया हुआ है। इसी तरीके से और भी है, जैसे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी माइनस सी, ये आपको बराबर बताना है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो पहले से शुरू करते हैं, अब ये बी है ये सी है, इसका यूनियन करेंगे तो 4 और 5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी यानी इसका और इसका क्रॉस लेंगे, 1 जो पहला है 1 2 3 मैं यहां लिखता हूं, और बी यूनियन सी आया आपका 4 5, 1 1 2 2 3 3 इस कॉलम में लिख देंगे क्योंकि पहला टर्म यहाँ का आना चाहिए। अब 4 इसके साथ जोड़ देंगे, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, तो 1 4
15242535 या ऐसे भी लिख सकते हैं 142434 152535। 1415 इसलिए लिखा क्योंकि वन वाले टर्म एक साथ आ जाए जिसमें पहला वन। अब यहां तक ए क्रॉस बी यूनियन सी हो गया। अब हमको इसको बराबर दिखाना है किसके, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से। तो ये जो टर्म आया है और ये जो हम निकालने वाले हैं दोनों बराबर आने चाहिए, वेरीफाई करना है क्या है सही, क्या बराबर है क्या नहीं। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, अब ये क्योंकि एक ही टर्म है तो चार एक चार दो चार तीन ये हो जाएगा, मतलब तो एक चार एक दो चार तीन चार। ए क्रॉस सी मतलब 15 25 और 35, ये ए क्रॉस बी हो गया, ये ए क्रॉस सी हो गया। अब इनका आपको यूनियन लेना है, यूनियन मतलब आप इन सबको कंबाइन कर दीजिए, इसमें कुछ कॉमन तो आपका है नहीं, तो छः के छः टर्म पूरे आ जाएंगे, ये पूरे के पूरे छः टर्म आ जाएंगे जो यहाँ पर इसमें और इसमें दिख रहे हैं। ये टर्म और ये टर्म देखिएगा दोनों बराबर हैं, ये दोनों टर्म बराबर हैं इसलिए वेरीफाई होगी। इसी तरीके से जो अगला है वो आपका है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको बराबर दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी में चार है सी में पांच है, बी में चार है पी में पांच है सी में पांच है। तो अब इसको अगर हम यहां पर इंटरसेक्शन लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, बी और सी में कुछ, बी और सी में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा क्योंकि चार और पांच में कुछ कॉमन नहीं, मतलब इस सेट में कुछ कॉमन नहीं है तो फाई आएगा। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे यानी बी इंटरसेक्शन सी तो फाई है, ए आपका 1 2 3 है। अब किसी का भी फाई के साथ जो जो क्रॉस होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो हमेशा फाई आता है, वो क्योंकि एम्प्टी है इसलिए भी एम्प्टी आएगा, या ये आपका एम्प्टी आ गया। अब आपको प्रूव करना है कि ये बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो ए आपका ये है 1 2 4 और 4, तो इसको 1 4 2 4 3 4 यहां लिख दीजिए। ए क्रॉस सी है 1 5 2 5 और 3 5, ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिएगा क्या आया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म यानी कि इस वाले जो जो ऑर्डर पेयर का सेट आया है और ये जो ऑर्डर पेयर का सेट आया है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लीजिए एक भी टर्म कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये फाई आएगा। तो ये फाई और ये वाला भी फाई लेके आए थे, तो दोनों आपके बराबर आ गए, दोनों फाई यानी दोनों एम्प्टी, कुछ भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के। तो सबसे पहले हम b माइनस सी निकालेंगे, तो b से c वाला टर्म हटा देंगे, तो b में तो c वाला टर्म है ही नहीं, चार अगर ये चार और पांच होता तो हम पांच हटाते, यहाँ तो चार ही है तो पांच हटाने का कोई मतलब नहीं है, केवल फोर ही आएगा, तो b माइनस सी में फोर आएगा। अब a क्रॉस b माइनस सी यानी कि 1 2 3 का क्रॉस करेंगे चार से, तो 1 4 2 4 3 4 ये आ गया। अब आते हैं इस वाले पे a क्रॉस b और a क्रॉस c, a क्रॉस b करते हैं, a आपका 1 2 3 है b 4 है, तो 1 4 2 4 3 4 ये आपका a क्रॉस b आ गया। अब a क्रॉस c करेंगे, ए आपका 1 2 3 है सी आपका 5 है, तो 1 5 2 5 3 5 ये आपका ए क्रॉस सी आ गया, तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी आ गया। अब इसको इसके वाला इसका वाला टर्म जो इनमें कॉमन है वो हटा देंगे, इसमें ऐसा कोई टर्म जो इसमें है वो हटा देंगे, बस इसमें से यहाँ कोई छेड़ नहीं करेंगे, यहाँ कोई हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें से इसका कोई कॉमन टर्म है तो हटा देंगे, राइट। अब देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, ना 1 5 यहाँ दिख रहा है, ना 2 5 दिख रहा है, ना 3 5 दिख रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 4 2 4 3 4 ही आएगा। अभी 1 4 2 4 3 4 आ गया और ये आपका ए क्रॉस बी माइनस सी तो था ही, तो ये दोनों आपके बराबर हो गए। अब नेक्स्ट वाला जो है इसमें आपको ए दिया हुआ है 1,2, बी दिया है 1 2 3 4, सी दिया है 5 6 और डी दिया है 5 6 7 8। आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस सी ये सबसेट है बी क्रॉस डी का। एक और चीज इसमें वेरीफाई करनी है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि ये सही है या गलत है ये बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे, बी क्रॉस डी लेंगे, हमारे पास चार चार टर्म है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो इसकी थोड़ा सा क्योंकि ये चार टर्म है, ये चार टर्म है, चार चौको 16 16 16 इसमें ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं। मैं इसको बताता हूँ, पहला टर्म जो है वो हमेशा बी मतलब 1 2 3 4 से लेंगे, तो 1 2 3 4 हो गया ये और ये 5 6 7 8 हो गया, तो 1 1 ये कॉलम में लिख लीजिए, पहला टर्म इसका चाहिए, 2 इसका हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब 5 5 5 जोड़ दीजिए इस कॉलम को, यहाँ जोड़ दीजिए बाद में 1 के बाद में, 5 यहाँ जोड़ेंगे, 5 5 5 6 6 6 6, ये 7 7 7 और 7,
एट 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 एट, तो 15 16 17 18 25 26 27 28 35 36 37 38 45 46 47 48, ये आपके 16 टर्म आ गए। अब ए क्रॉस सी निकालना है क्योंकि बी क्रॉस डी हम निकाल चुके हैं, अब बी क्रॉस डी और ए क्रॉस सी निकालेंगे, हमको सबसेट बताना ही है कि नहीं। अब ए क्रॉस सी लेंगे तो 1 2 5 6 है, तो 1 2 और ये 5 6, तो 1 1 2 2 यहां लिख देंगे, 5 के साथ जोड़ेंगे, 5 के साथ 6 के साथ, 6 6 के साथ, तो 1 5 1 6 2 5 2 6 ये आ गया। अब आप देखिए कि इसका जो टर्म है 1 5 वो यहां पर है, 1 6 भी यहां पर है, 2 5 भी यहां पर है और 2 6 भी यहां पर है, इसका मतलब ये जो ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का सबसेट है। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, इसमें हमको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर है, दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो ए आपका 1 2, बी 1 2 3 4, सी 5 6 और डी 5 6 7 8। अब आप देखें इसमें सबसे पहले मैं निकालूंगा बी क्रॉस सी। अब बी और सी, बी और सी में कौन सा टर्म कॉमन है, एक भी नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ है, यहाँ पर 5 6 है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन इसका फाई आएगा। अगर आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे यानी कि ए क्रॉस ये फाई करेंगे तो जिसका भी इंटरसेक्शन फाई से होता है वो फाई ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा तो फाई आएगा। ये आपका एक साइड हो गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमने देख लिया। राइट हैंड साइड पे जाते हैं, वो हमको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी लेना है। ए क्रॉस बी करेंगे यानी कि ए क्रॉस बी इसका इसके साथ क्रॉस, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 ये आ गया। अब एक क्रॉस सी करेंगे तो एक क्रॉस सी मतलब 1 5 1 6 और 2 5 2 6 ये आपका आ गया। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी ये दोनों आ गए, इनमें से देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन लिखेंगे हम यहाँ पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ही सेट में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो कॉमन है, तो ये फाई आएगा, ये भी फाई आएगा, तो ये फाइव आ गया, ये फाइव आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इस क्वेश्चन में यदि ए दिया हुआ है आपका 1 2 3, बी दिया है 3 4, सी दिया है 4 5 6, तो इसमें चार चीजें बतानी है। सबसे पहला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका क्या होगा, ऐसे एक एक करके देखेंगे। तो ए क्रॉस सी बी इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ये बी है ये सी है, इनके बीच में इंटरसेक्शन करेंगे तो 4 आएगा केवल, देखिए केवल 4 कॉमन है इसमें और कुछ नहीं है, ओनली 4 इज कॉमन, ये हो गया। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यानी ए आपका 1 2 3 है और बी ये जो बी इंटरसेक्शन सी ये 4 है, तो इसके बीच में क्रॉस करेंगे तो 1 4 2 4 3 4 ये आपका आ जाएगा। दूसरे वाले में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए आपके पास ये है, ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे फिर इंटरसेक्शन देखेंगे। तो ए है 1 2 3 और बी है 3 4, तो अगर आप चाहें तो रो कॉलम बना के भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग काफी इसको कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दूंगा। तो कैसे करेंगे, 1 3 1 4 ये हो गया, 2 3 2 4 और 3 3 3 4 ये आपका एक क्रॉस भी आ गया। ऐसे एक क्रॉस से निकालेंगे तो 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6 ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी आ गया। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन देखते हैं, इनमें क्या कॉमन है, 1 4 1 4 कॉमन दिख रहा है, 2 4 2 4 कॉमन दिख रहा है और 3 4 3 4 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन नहीं। तो ये आपका ये टर्म आ गया, ये टर्म आ गया। अब देखें ये इसको निकालना है, इसमें वेरीफाई नहीं करना, तो इसी यहीं पर छोड़ देंगे। इसमें तीसरा जो है वो है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना है। ए आपके पास एक ए और बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं पहले। बी यूनियन सी में क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, कॉमन वाले टर्म को एक बार लिखेंगे, तो ये 3 4 4 5 6 है, तो 3 4 5 6 आ गया बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे मतलब ए का क्रॉस करना है, यानी 1 2 3 का क्रॉस करना है 3 4 5 6 से। अब इसको या तो आप रो कॉलम से कर लीजिए या सीधा ऐसे कर लीजिए, 1 3 1 4 1 5 1 6 ये हो गया 4 टर्म, 2 3 2 4 2 5 2 6 ये 4 टर्म और 3 3 3 4 3 5 3 6 ये आपके 4 टर्म, ये आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में है आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ए यूनियन बी क्रॉस सी ये बराबर है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी, यानी ए यूनियन सी क्रॉस सी ये आपको बराबर बताना है ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी।
अगर ये बराबर बताना है तो आपको दोनों तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आपको ए सबसेट बता दें या ए प्रॉपर सबसेट बता दें बी का, और फिर बी सब प्रॉपर सबसेट बता दें ए का, तब आप ए और बी को बराबर कह सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी इस वाले क्वेश्चंस में हम ए और बी, कोई भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है जो इसमें आ रहा हो, हम मान के चलते हैं। अब जैसे इसमें आ रहा है, हम कहते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है, ये पूरा जो सेट जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ए यूनियन बी क्रॉस सी, इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसमें ए बी है, इसका मतलब ये है ये बिलोंग कर रहा है, और ये एक टर्म है ये एक टर्म है, क्रॉस है ना, तो क्रॉस का मतलब ये है कि ए इसको बिलोंग करता है ए यूनियन बी को, और साथ में ए बिलोंग कर रहा है पहले वाले टर्म को। जब हम कहते हैं ए कमा बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, तो इसका मतलब होता है ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को और बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को। इसी तरीके से ये ए बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को और बी बिलोंग कर रहा है सी को। अब इस वाले को देखिएगा, ए बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी को, तो इसका मतलब ए बिलोंग कर सकता है ए ए में हो सकता है या ए बी में हो सकता है, ए बिलोंग कर सकता है ए को और ए बिलोंग कर सकता है बी को, एंड तो यहां लगा रहेगा। अब आप देखिए, ए बिलोंग करता है ए को या ए बिलोंग करता है बी को, और साथ में दिया गया है कि बी बिलोंग कर रहा है सी को, तो एंड है ये। एंड का मतलब ये होता है कि एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है। ए बिलोंग कर रहा है ए को, ए बी सी हो गया, ए बिलोंग कर रहा है ए को और साथ में एंड मतलब बी बिलोंग कर रहा है सी को, तो बी बिलोंग कर रहा है सी को। इसी तरीके से ए बिलोंग कर रहा है बी को और साथ में ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को और बी बिलोंग कर रहा है सी को, तो बी यहां पर बिलोंग कर रहा है सी को, तो इस यहां से दोनों से क्लियर हो गया कि बी सी को तो बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए, यानी कि इस बिलोंग सी को यहां जोड़ दीजिए और इस बिलोंग सी को यहां जोड़ दीजिए एंड के साथ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। तो ए बिलोंग टू ए बिलोंग ए एंड बी बिलोंग सी, ये हो गया एक, और ए बिलोंग ए एंड ए बिलोंग बी एंड बी बिलोंग सी, ये दो हो गए। अच्छा, ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग कर रहा है सी को, एंड बीच में है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी की बात आ गई। ए बिलोंग कर रहा है बी को, बी बिलोंग कर रहा है सी को, एंड है, तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस सी को, है ना, और बीच में और का साइन है, ये वाला और का साइन हमने यहां लिया है। अब और का साइन है मतलब यूनियन कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें आप सी सी आप देख रहे हैं दो बार है, तो सी को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ए यूनियन बी क्रॉस सी, क्योंकि अगर हम ए यूनियन बी क्रॉस सी करेंगे तो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी ही आएगा, यही आएगा। तो अब ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, ए यूनियन बी, ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी कह लीजिए या ए यूनियन बी क्रॉस सी कह लीजिए। तो हमने शुरुआत यहां से की और हम यहां तक ले आए, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट है। अब आप क्या करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे तो उल्टा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब यहाँ ए बी तो ले चुके हैं, अब हम कहेंगे एक्स वाई एक टर्म है, एक्स वाई ऐसा टर्म है जो ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी को बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स बिलोंग करेगा इसको और वाई बिलोंग करेगा इसको, क्योंकि ये दोनों एक्स नहीं, ये यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब होता है कि एक्स बिलोंग कर रहा है इसको भी और एक्स बिलोंग कर रहा है इसको भी, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस सी को, कि हम यूनियन ले रहे हैं। अब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी का मतलब एक्स बिलोंग करता है ए को और वाई बिलोंग करता है सी को, इसी तरीके से एक्स बिलोंग करता है बी को और वाई बिलोंग करता है सी को, एंड लगा है इसके। अब देखिए कि ये जो है एंड के साथ, यानी कि ये मान लीजिए इंटरसेक्शन है और ये मान लीजिए यूनियन है, दो टर्म है यहाँ पर यूनियन के इंटरसेक्शन के साथ और दो टर्म है यहाँ पर और बीच में यूनियन है, तो इस यूनियन को हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम कह रहे हैं कि एक्स ए को बिलोंग करता है एक्स बी को बिलोंग करता है और है बीच में, तो हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग करता है ए को और वाई एक्स बिलोंग करता है बी को और ले लिया साथ में, इस तरीके से वाई बिलोंग करता है सी को और वाई बिलोंग करता है सी वाई बिलोंग करता है सी को, तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो एक ही बार लिख देते हैं वाई बिलोंग सी को, तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए को एक्स बिलोंग कर रहा है बी को एंड वाई बिलोंग टू सी, यानी कि ये तो खैर ए यूनियन बी ही हो गया, एंड मतलब आप इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी क्रॉस सी को, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है इसको वाई बिलोंग करता है इसको, तो एक्स कॉमा वाई एक्स इसको बिलोंग कर रहा है वाई इसको बिलोंग कर रहा है, तो एक्स वाई वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्रॉस सी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम यहां तक ही चलेंगे क्योंकि हमने शुरुआत यहां से की और यहां तक ले आए, तो इसका मतलब अब ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी प्रॉपर सबसेट हो गया ए यूनियन बी क्रॉस सी का। तो कहने का मतलब कि हम यहां से गए, यहां से शुरू किया यहां तक आ गए, प्रॉपर सबसेट दिखा दिया, अब हम यहां से गए यहां दिखा दिया प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। इसी तरीका का एक और सवाल है, इसमें बताना है ए इंटरसेक्शन बी
क्रॉस सी, ये बराबर है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी के। तो वही शुरुआत करते हैं, हर चीज का तरीका इसका सोल्यूशन का तरीका यही है। आप ए बी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर ये क्रॉस आता है ना तो आपको ए बी लेना पड़ता है। आपको याद होगा जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन से डील कर रहे थे तो हम केवल एक टर्म लेते थे, यहाँ पर एक ही टर्म लेते थे। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी को, तो इसका मतलब यह है कि ए बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी को, बी बिलोंग करेगा सी को। यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ए बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, मतलब ए ए को बिलोंग करेगा और साथ में एंड है ए बिलोंग करेगा बी को, और यहां पर बी बिलोंग सी है। तो अब जब बी बिलोंग सी है तो आप यहां लिख सकते हैं बी बिलोंग सी, और यहां पर आपको पता है कि ए बिलोंग कर रहा है बी को एंड के साथ है, तो इसको यहां जोड़ सकते हैं, इसको यहां जोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एंड के साथ, तीन एंड है, यहां पर भी जोड़ सकते हैं इसके साथ। ये क्यों किया, क्योंकि हमें यहां पता है कि ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए यहां बिलोंग कर रहा है ए को, बी बिलोंग कर रहा है सी को। अब ए बी को बिलोंग करता है, बी बिलोंग करता है सी को, तो आप ए बी बिलोंग करवा सकते हैं बी क्रॉस सी को। अब क्योंकि एंड का साइन है तो आप इंटरसेक्शन कर दीजिए, और क्योंकि यहां पर जो टर्म है इसको आप सीधा कह सकते हैं यहां से शुरुआत की यहां तक आ गए, इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सब्जेक्ट। अब एक्स वाई लेके चलिए यहां से, और अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो ए क्रॉस बी एक्स वाई को शुरुआत करते हैं ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी पे, तो मतलब एक्स वाई ही बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो एक्स वाई को बिलोंग करना चाहिए बी क्रॉस सी को भी। अब यहां पर देखिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस सी को, मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए को, वाई बिलोंग करेगा सी को, यहाँ एक्स बिलोंग करेगा बी को, वाई बिलोंग करेगा सी को। अब यहाँ एंड के साइन है सारे, तो आप एक्स ए और एक्स बी को यहाँ कॉमन ले लीजिए, और एंड का साइन है तो वाई को दो बार लेने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही बार यहाँ पर रख दीजिए। अब ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया क्योंकि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, और मतलब हिंदी का और अंग्रेजी का एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, तो वाई बिलोंग टू सी यहाँ रहेगा। इसको ए इंटरसेक्शन बी है और यहाँ एंड है, तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि एक्स इसको बिलोंग करता है, वाई इसको बिलोंग करता है, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी को। तो इसका मतलब ये यहाँ से शुरुआत की यहाँ तक आ गए, यहाँ से शुरुआत की यहाँ तक आ गए, यहाँ से शुरुआत की यहाँ तक आ गए, मतलब दोनों को प्रॉपर सबसेट बता दिया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। जो नेक्स्ट है इसमें ए क्रॉस बी ये प्रॉपर सबसेट है, ए क्रॉस बी ये प्रॉपर सबसेट है सी क्रॉस डी का, और ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो ये फाई नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आएगा। आपको प्रूव करना है कि ए प्रॉपर सबसेट है सी का और बी प्रॉपर सबसेट है डी का। तो क्या क्या चीज दी हुई है इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर ए क्रॉस बी इस पे जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो और सी जो क्रॉस डी में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इसके सब जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इसमें होंगे, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, और ये फाई नहीं है, तो ये भी मतलब ये फाई नहीं है क्योंकि फाई सभी का प्रॉपर सबसेट होता है हर सेट का, इसीलिए। अब आप देखें हम यहां से शुरुआत करते हैं ए कॉमा बी, ये बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को, तो ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए को, बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी को। अब आपने कहा ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, और ए बी बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए क्रॉस बी प्रॉपर सबसेट है सी डी का, तो जो ए बी में होगा वही सी डी में होगा, है ना। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को तो ए बी सी डी को बिलोंग करेगा क्योंकि प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए बिलोंग कर रहा है सी को और ए बी बिलोंग कर रहा है डी को। अब आप देखिए ए बिलोंग कर रहा है ए को, ए बिलोंग कर रहा है सी को, बी बिलोंग कर रहा है बी को और बी बिलोंग कर रहा है डी को, दोनों से ही मिल रहा है। तो ए बिलोंग इसका सीधा मतलब ये है, इन दोनों से हमको एक क्लियर पता चल रहा है कि ए बिलोंग करता है ए को, इसका मतलब है यहां से शुरुआत की ए बिलोंग अगर ए को करता है तो ए बिलोंग सी को भी करेगा क्योंकि ये दोनों प्रॉपर सबसेट है। जब ए बिलोंग कर रहा है ए को कैपिटल ए को और ए बिलोंग कर रहा है सी को जो इससे निकल के आया, तो ए बिलोंग टू ए इंप्लाइज ए बिलोंग टू सी, मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। फिर यहां पर आइए बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी को, बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल ई को, ये बताता है क्योंकि ये हमने पहले ये लिया फिर उसके बाद ये बताया, तो बी बिलोंग बी बिलोंग टू कैपिटल बी, ये इंप्लाई कर रहा है कि बी बिलोंग टू कैपिटल डी, यानी बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये दोनों प्रूव हो गए।